नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि और गुरुवार का दिन है। नौमी तिथि आज रात 11:33 तक रहेगी। आज महानंदा नौमी है। आज रात 10:41 तक आयुष्मान योग रहेगा। साथ ही आज रात 9:53 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 14 सितंबर की सुबह 5:46 से रात 8:37 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 14 सितंबर की रात 8:33 से अगली सुबह 5:46 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 14 सितंबर की सुबह 6:06 से सुबह 8:37 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 13 सितंबर की सुबह 6:05 से सुबह 6:25 तक और एक बार फिर सुबह 8:41 से दोपहर 1:19 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 14 सितंबर की सुबह 6:06 से सुबह 8:37 तक और एक बार फिर रात 8:42 से रात 11:25 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 14 सितंबर की सुबह 6:36 से सुबह 9:07 तक और एक बार फिर रात 9:12 से रात 11:55 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 11:32 से सुबह 6:05 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 सितंबर की सुबह 6:06 से सुबह 8:33 तक और एक बार फिर सुबह 10:53 से शाम 4:58 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 16 सितंबर की सुबह 6:07 से सुबह 10:49 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 14 सितंबर की दोपहर 2:21 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:50 से दोपहर बाद 3:23 तक। मुंबई दोपहर 2:07 से दोपहर बाद 3:39 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:52 से दोपहर बाद 3:25 तक। लखनऊ दोपहर 1:35 से दोपहर बाद 3:08 तक। भोपाल दोपहर 1:49 से दोपहर बाद 3:21 तक। कोलकाता दोपहर 1:05 से दोपहर 2:38 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:08 से दोपहर बाद 3:41 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:37 से दोपहर बाद 3:09 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व। आज घर से निकलकर
पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा रहने वाला है। ज्यादा व्यस्त रहने के कारण आप अपने आसपास ध्यान नहीं दे पाएंगे। अपनों के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। सभी क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप परिवार के सदस्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। रचनात्मक कार्य में आप सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे। आपके घर आज किसी अतिथि का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपके अधिकांश प्रयास सफल होंगे। आज जीवन साथी को करियर में सफलता मिल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज किसी भी कानूनी मामले में जल्दबाजी न दिखाएं। अपने खर्चे पर नियंत्रण बनाए रखेंगे तो भविष्य में आने वाली परेशानियों से भी बच जाएंगे। किसी नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो दिन शुभ है, आप कर सकते हैं। आपको काम में सफलता मिलने के अच्छे योग हैं। दान धर्म के कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप एक से अधिक सोर्सेस से आय प्राप्त करेंगे। शासन व प्रशासन के मामले में सावधानी बरतें। आज निवेश संबंधी मामले को गति मिलेगी। आज किसी अजनबी पर बहुत ही सोच समझ कर भरोसा करें। विद्यार्थियों को अपना प्रोजेक्ट पूरा करने में सफलता मिलेगी। आज आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बढ़ेगी। जॉब की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी। लव मेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपके बढ़ते खर्चे परेशानी का कारण बन सकते हैं, इसीलिए बजट बनाकर चलने का प्रयास करें। किसी संपत्ति का सौदा जल्दबाजी में न करें। राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को बड़े नेताओं से मिलने का अवसर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। आज किसी पुरानी समस्या को दूर करने के लिए योजनाएं बनाएंगे। ऑफिस के कार्य से आज आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। डॉक्टर्स के लिए आज का दिन अच्छा है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायक रहने वाला है। आपकी योजनाओं को गति मिलेगी। आज आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। आज आपको बड़ों का साथ और सहयोग मिलेगा, जिससे आप अपने कार्यों को समय पर पूरा कर लेंगे। आज छात्रों को पढ़ाई में आ रही रुकावटों से छुटकारा मिलेगा। आज आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। धार्मिक कार्यों के प्रति आस्था व विश्वास से आगे बढ़ेंगे। नौकरी करने वालों को अच्छी खबर मिलेगी। आज अचानक आपको धन लाभ हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज किसी नए काम को शुरू करने से पहले पूरी योजना बनाएंगे, साथ ही माता पिता से सलाह लीजिए। आज सरकारी कामों में नीति व नियमों पर पूरा ध्यान देंगे तो आपको काम करने में आसानी होगी। आज आपको आर्थिक मामले में जल्दबाजी दिखाने से बचना होगा। अपने जरूरी कार्यों को सूची बनाकर करेंगे तो आपके कार्य पूरे होते जाएंगे। आपकी वाणी की सरलता आपको मान सम्मान दिलाएगी। आज समय से सारी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें। बहुत दिनों बाद किसी मित्र से मुलाकात हो सकती है, उनके साथ लंच करने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आप जिम्मेदारियों को अच्छी तरह पूरा करने में सफल होंगे। ऑफिस के कामकाज निपटाने में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे।
अपनी तरफ से हर मामले पर आपको सकारात्मक रहना होगा। आज किसी पुरानी समस्या पर दोस्तों से बातचीत हो सकती है, इससे आपको अच्छा समाधान मिलेगा। आज आपको नए इनकम सोर्सेज मिल सकते हैं। कामकाज में आपकी रुचि बढ़ सकती है। लवमेट आज कहीं बाहर घूमने जाने की प्लानिंग करेंगे। दांपत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज पास के किसी आध्यात्मिक गतिविधि में शामिल होने के योग बन रहे हैं। आज किसी मामले में दूसरों के साथ बातचीत या सलाह करने से फायदा होगा। जरूरी काम और रिश्तों के बारे में विचार करेंगे और योजना बनाएंगे। आज ऑफिस में आपको कोई नए किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने को मिल सकता है। रुके हुए कार्य को आज नए सिरे से कोशिश करेंगे तो आप सफल होंगे। आज काम में मन लगेगा। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। आज शांति से कामकाज निपटाने की कोशिश करें। आज आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा जिससे रिलैक्स महसूस करेंगे। आज जीवन साथी की भावनाओं को समझने में बहुत हद तक आपको सफलता मिलेगी। आज परिवार के कामों में आपका पैसा लग सकता है। आज आप कार्यस्थल पर किसी से बात करते समय मधुर भाषा का प्रयोग करें। आज आपकी मुलाकात किसी प्रभावशाली व्यक्ति से होगी। आज आप नया काम शुरू करने का मन बनाएंगे, नई चीज़ें सीखेंगे और लेन देन में फायदा होगा। संतान की उन्नति से खुशी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अपने से बड़े या किसी अनुभवी से सलाह लेकर ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आज किसी कठिन काम को मेहनत, धैर्य और समझदारी से आसानी से निपटा लेंगे, लेकिन ऑफिस में व्यस्तता के चलते घर देर से पहुंचेंगे। अगर आप जॉब बदलने की सोच रहे हैं तो अभी कुछ दिन रुक जाइए। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम की योजना बनाएंगे। जीवन साथी पहले किया हुआ वादा आज पूरा करेंगे, इससे पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। अपना व्यवहार लचीला रखें और दूसरों की बातें समझने का प्रयत्न करें। आज कोई बुजुर्ग या वरिष्ठ व्यक्ति आपको सही सलाह देगा। व्यापारिक मामले में जवाबदेही बढ़ सकती है। आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। लवमेट आज फोन पर देर तक बातचीत करेंगे। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। व्यापार में अचानक धन लाभ होने के योग बने हुए हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा है। ट्रांसफर या प्रमोशन के लिए किसी से बात हो सकती है, इसमें आपको सफलता मिलेगी। आज आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। आज आप अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए प्लान तैयार करेंगे। आपको आज नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है। आमदनी के नए नए रास्ते मिलेंगे। जीवन साथी आज आपकी बातों को अच्छे से समझेंगे। लवमेट के साथ आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। आज अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। आज नया वाहन लेने का मन बनाएंगे। परिवार वालों का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज एक मुट्ठी गेहूं जल में बहाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ घर की सफाई करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपको कम मेहनत से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। आप लोगों की मदद करेंगे। मूलांक 2, आज आपको आसपास के लोगों के व्यवहार या सोच से उलझन हो सकती है। मूलांक 3, आज आप धैर्य से काम लेंगे तो आपके उलझे हुए सभी मामले सुलझ जाएंगे। मूलांक 4, आज के दिन आपके विचारों और भावनाओं में तालमेल बना रहेगा। धन लाभ की उम्मीद है। मूलांक 5,
करियर में कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है। मूलांक 6, आज का दिन बेहतर रहेगा। आज कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। मूलांक 7, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें आज किसी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिल सकता है। मूलांक 8, आज ऑफिस में बॉस आपकी प्रशंसा करेंगे, हो सकता है आपको कोई नया प्रोजेक्ट भी मिल जाए। मूलांक 9, आज किसी काम में आई परेशानी से छुटकारा पाने के लिए किसी दोस्त की मदद लेनी पड़ सकती है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे झाड़ू लगाने के समय के बारे में। वैसे तो साफ सफाई करना अच्छा ही होता है, लेकिन वास्तुशास्त्र में उसके लिए कुछ समय पहले से निर्धारित है। जिस तरह सफाई का उचित समय तय है, ठीक उसी तरह सफाई न करने का यानी झाड़ू न लगाने का भी समय दिया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में झाड़ू लगाने के लिए दिन के पहले 4 पहर को उचित समय माना गया है, जबकि रात के 4 पहर को इस काम के लिए अनुचित माना गया है। रात के 4 पहरों में झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता अपने पैर पसारती है और धन की देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, जिससे घर में धन की आवक पर प्रभाव पड़ता है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा झाड़ू लगाने के समय के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि और गुरुवार का दिन है। नौमी तिथि आज रात 11:33 तक रहेगी। आज महानंदा नवमी है। बता दूं कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को महानंदा नवमी मनाने का विधान है। नंदा देवी दुर्गा माता का ही एक रूप है। आज के दिन मां नंदा की विशेष रूप से उपासना की जाती है। इनकी उपासना से व्यक्ति को अप्रतिम शक्तियां मिलती हैं, जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, साथ ही दुश्मन से जीतने में मदद हासिल होती है। लिहाजा आज के दिन कुछ खास अवसर पर आप कौन से विशेष उपाय करके देवी माँ को खुश कर सकते हैं और अपने दुश्मनों पर जीत हासिल कर सकते हैं, साथ ही हर तरह की सुख सुविधाएं पा सकते हैं, हम इसकी भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले चर्चा कर लेते हैं आज के दिन पढ़ने वाले योग और नक्षत्र के बारे में। लेकिन योग और नक्षत्र के बारे में चर्चा शुरू करें उसके पहले एक बात मन में आई है। ये जो हमारे देवी देवता हैं, ये जो हमारी नंदा देवी हैं, तुलजा देवी हैं, हमारी अंबा देवी हैं, हमारी तरह तरह की देवियां हैं, हमारे जो शक्ति स्थल हैं वहां से रिलेटेड पावर्स हैं, जो शिव मंदिर हैं उनसे रिलेटेड पावर, जो विश्व का भरण पोषण करने वाले विष्णु जी हैं उनकी पावर्स, इन सबको इसलिए अलग अलग डिवाइड किया गया है कि इस परम पिता का स्वरूप इतना विशाल है, इतना विशाल है, टू बी ऑल परवेसिव, इट्स नॉट समथिंग सच ए लिटिल। तो आज हम महानंदा नवमी के दिन नंदा देवी के उसी स्वरूप की उपासना करते हैं जो अभिव्यक्ति है उस परम पिता की, जो एक ही है, उसी एक परम पिता की एक अभिव्यक्ति है जो नंदा देवी के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं। आज रात 10:41 तक आयुष्मान योग रहे। आयुष्मान भव एक आशीर्वाद है, जैसे वरिष्ठ लोग छोटों को आयुष्मान भव कहकर आशीर्वाद देते हैं, ये आशीर्वाद लंबी आयु के लिए दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष में आयुष्मान योग है, जिसमें किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते हैं। जीवन भर इनका असर बने रहने के कारण इसे आयुष्मान योग कहा जाता है। साथ ही आज रात 9:53 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मूल 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसके अनुसार एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ये नक्षत्र बहुत से रहस्यों, गुप्त विद्याओं तथा अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। इस नक्षत्र की एक खासियत यह भी है कि जिस प्रकार किसी पेड़ को काट लेने के बाद भी वो अपनी जड़ों के माध्यम से अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मूल नक्षत्र भी अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पुनः प्राप्त कर लेने की क्षमता रखता है। अगर मूल नक्षत्र के जातकों की बात की जाए तो ये लोग
आमतौर पर अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होते हैं। ये कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। साथ ही आपको बता दूं कि मूल नक्षत्र का पेड़ साल है, लिहाजा मूल नक्षत्र के दौरान साल के पेड़ की पूजा करना बड़ा ही लाभकारी होगा, खासकर कि उन लोगों के लिए जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके मान सम्मान तथा शोहरत में बढ़ोतरी भी होगी। ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले आयुष्मान योग और मूल नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे आज महानंदा नवमी के दिन किए जाने वाले उपायों की, जिन्हें करके आप अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे। अगर आप बहुत दिनों से अपने लिए एक अच्छी पत्नी की तलाश में हैं, तो आज के दिन आपको दुर्गा सप्तशती की इस पंक्ति का 21 बार जप करना चाहिए। शब्द हैं, पंक्ति है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। मतलब एक बार पुनः इसको सुनिए, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। कि हे जगत माता, हे माता महानंदा, मुझे ऐसी पत्नी दो, पत्नी मनोरमाम देही, ऐसी पत्नी दो जो मेरे मन को रमण करे। वो त्रैलोक्य सुंदरी हो लेकिन मुझको रमण न करे तो व्यर्थ है मेरे लिए। मेरे लिए सार्थक वही है जो त्रैलोक्य सुंदरी है नहीं है, मेरे मन को त्रैलोक्य सुंदरी लगनी चाहिए जो मेरे मन को रमण करे। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम, जो मेरे मन की वृत्ति के अनुसार ही चले, मतलब मेरी और उसकी वाइब्रेशन, जब मुझे लस्सी पीने का मन हो तो उसको भी लस्सी पीने का मन हो, जब मुझे चाय पीने का मन हो तो उसे भी चाय पीने का मन हो, जब मुझे भूख लगे तो उसको भी भूख लगे, कुछ ऐसे मन की वृत्ति मिल जाए। ये कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है, ऐसा होता है। तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम, इस दुर्गम संसार रूपी सागर के इस पार से उस पार ले जाने वाली तारिणी बन जाए जो मुझे मेरे कुल के साथ, मेरे परिवार के साथ इस संसार रूपी सागर के इस पार से उस पार ले जाए। अब कितनी अद्भुत स्त्री मांगी जा रही है, इससे सुंदर अपेक्षा और क्या हो सकती है, इससे सुंदर अपेक्षा के शब्द क्या हो सकते हैं। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्थ कुलोद्भवाम। जहां तक मुझे याद है, लगभग 14 साल तक अपनी शादी के पहले हमने भी इसको पढ़ा था। छोटे से थे तो देखते थे, बाबा नहाने के साथ ही शुरू हो जाते थे, ओम नमः चंडिकाए मार्कंडेय उवाच। वो नहाने के बाद अपनी धोती धोने के साथ साथ काम शुरू कर देते थे, तो वो पढ़ते थे, तो हम भी छोटे थे तो हम भी साथ में पढ़ते थे, ओम नमः चंडिकाए मार्कंडेय उवाच, अपना तोतली भाषा में उनके साथ साथ पढ़ते सीखते थे। तो ये दुर्गा सप्तशती की ही पंक्तियाँ, रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे, नित्य पाठ करते थे, कभी कभी 3 पाठ रोज करते थे। तो उनसे सुनते 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 सब मन में समा गया और एक एक अक्षर एक एक शब्द हृदय में चला गया। तो ये हमको भी बड़ा अच्छा लगा कि हमको भी ऐसी पत्नी चाहिए, तो हम भी पढ़ते थे पहले, बड़ी अच्छी पत्नी थी माता ने, थैंक यू माता, आई आगे चले। इस प्रकार मंत्र जप के साथ ही आपको देवी माँ के मंदिर में 16 श्रृंगार के 16 चीजें भेंट करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही एक अच्छी पत्नी की तलाश पूरी होगी। अगर आप अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही सुख सौभाग्य अच्छा रूप और जीवन में जीत हासिल करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको 108 मखानों से हवन करना चाहिए, साथ ही इस विशेष मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विशो जहि। देहि सौभाग्य आरोग्यम, सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विशो जहि।
अगर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो उससे बचने के लिए आज के दिन आपको देवी माँ के इस अति विशिष्ट मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जों सः ज्वालय ज्वालय ज्वाल ज्वाल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ज्वाल हं सं लं छं फट स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जप के साथ ही आपको धान के लावे से यानी धान को भूनकर उससे हवन करना चाहिए। आज के दिन ये उपाय करने से आप शत्रुओं से होने वाली परेशानियों से बचे रहेंगे। देखो जैसे ये हम कहते हैं आपसे कि ये मंत्र पढ़ो तो ये होगा, ये मंत्र पढ़ो तो ये होगा, अब इन छोटी छोटी चीज़ों को आप जीवन में रोज नाप तोल सकते हैं। मतलब ये नहीं कि हम आपसे हवा में कोई बात बता रहे हैं, आप हवा में सुन रहे हैं, या आपकी श्रद्धा है तो ठीक है, श्रद्धा नहीं तो बेकार, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आपकी श्रद्धा की इसमें वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं, श्रद्धा की जरूरत नहीं हमको। अब सूरज का है कि आपकी श्रद्धा है तो आपको रोशनी दिखाएगी, ऐसा कुछ नहीं। आपको श्रद्धा हो या न हो, सूरज से रोशनी निकलती है, वैसे ही ये मंत्र काम करते हैं। आपको श्रद्धा हो या न हो, आपको श्रद्धा हो जाए उनका प्रभाव देख के आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आपको श्रद्धा होगी तभी मंत्र काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल 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 नहीं है। ये मंत्र काम करेंगे आपको श्रद्धा हो या न हो, मतलब डूइंग नथिंग विद इट। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ये जो इनमें अक्षर कहते हैं ना, यंग शंग अंग बंग थंग, ये सब जो कहते हैं इनकी अपनी मीनिंग होती है। जैसे उदाहरण के लिए रंग अग्नि बीज है, आप रंग अक्षर का उच्चारण करके देखिए रंग, लेकिन सावधानी से उच्चारण करिए। जब आपको बहुत गर्मी लगने लगे या आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ने लगे तो आप इसका उच्चारण बंद कर दीजिएगा, और अगर आपको उससे कुछ परेशानी से होने लगे तो आप बम शब्द का उच्चारण करके उसको अमृत में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए भगवान शंकर के साथ जब कहते हैं ना हर हर बम बम, क्यों बम बम कहते हैं, उन्होंने विष पी रखा है, इसलिए बम बम यानी अमृत, उनके इर्द गिर्द हम अमृत का वातावरण बनाते हैं। इस संसार को परेशानियों से मुक्त करने के लिए भगवान शिव ने विष का पान कर लिया, तो अब हम सब मनुष्य क्या करते हैं, उनके इर्द गिर्द बम 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 अमृत 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 एकत्र करते हैं उनके चारों तरफ, ताकि वो अमृत तत्व उनमें प्रिवेल कर जाए। तो ये बम अमृत है, रंग अग्नि है, ऐसे बहुत से बीजों से हम आपको बार बार, जैसे ऐं सरस्वती है, श्रीं लक्ष्मी है, क्लीं कालिका है, कालिका तु कलातीता कल्याण हृदयाम शिवाम, लोग कालिका को समझते हैं कि वो कुछ बहुत मतलब ऐसी देवी है जो खतरनाक, नहीं माँ है तुम्हारी, माँ तो अपने बच्चे के लिए दूसरों पे खतरनाक हो ही जाती है, तुम्हारी माँ है, सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली कालिका। तो ऐसे ही रंग जो है ये अग्नि बीज है, और इसी तरीके से जो और लेटर्स हैं आपके, ये भी आपके अंदर एक खास किस्म का एनर्जी पैटर्न पैदा करते हैं। तो ये जो हम आपको मंत्र बताते हैं कि ये मंत्र करने से ये होगा, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इस पर भरोसा करेंगे तो होगा, भरोसा नहीं करेंगे तो नहीं होगा, भरोसा नहीं करेंगे तो भी होगा, भरोसा करेंगे तो और अच्छा होगा। अब आगे चलते हैं। अगर आप जीवन में किसी प्रकार की बाधा से छुटकारा पाना चाहते हैं, चाहे वो संतान प्राप्ति में आ रही बाधा हो या फिर पैसों से संबंधित किसी भी प्रकार की बाधा, इन सब से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको देवी माँ की इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशयः। इस प्रकार मंत्र जप के बाद देवी माँ को पुष्प अर्पित करें। आज के दिन ये उपाय करने से आपको हर तरह की बाधा से छुटकारा मिलेगा। और अगर आप जॉब करते हैं लेकिन आपकी जॉब में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं मिल पा रही है, तो आज के दिन आपको अपने सामने 5 कौड़ियां रखकर देवी के इस शावर मंत्र का कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं चामुंडा सिंह वाहिनी बीज हस्ती भगवती रत्न मंडित सोनन की माल
उत्तर पथ में आप बैठी, हाथ सिद्ध वाचा रिद्धि सिद्धि, धन धान्य देह देही कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जप के बाद देवी माँ को नारियल अर्पित करें और सामने रखी कौड़ियों को उठाकर एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते में प्यार बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको देवी माँ को पोशाक चढ़ानी चाहिए, साथ ही देवी माँ के इस विशेष मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य रिश्ते में प्यार बना रहेगा। और अगर आप जीवन में सुख शांति खुशहाली और यश कीर्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने घर में दुर्गा वीसा यंत्र की विधि पूर्वक स्थापना करनी चाहिए और माँ दुर्गा के अर्घ्यलाय सूत्र का पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख शांति और खुशहाली बनी रहेगी, साथ ही आपको यश और कीर्ति की प्राप्ति भी होगी। अगर कुछ दिनों से आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है तो आज के दिन आपको देवी माँ की इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तु ते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तु ते। इस प्रकार 108 बार मंत्र जप के साथ ही आपको तिल से 108 आहुतियां भी देनी चाहिए। आज के दिन ये उपाय करने से आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य जल्द ही ठीक हो जाएगा। अगर आप अपनी बौद्धिक शक्तियों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको देवी माँ के आगे घी का दीपक जलाकर इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार मंत्र जप के बाद भी घी के दीपक को बुझाइए नहीं, उसे जलता रहने दीजिए। अगर संभव हो तो आज के दिन अखंड घी की ज्योति जरूर जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी बौद्धिक शक्तियों में बढ़ोतरी होगी। अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत बने रहना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, साथ ही यथाशक्ति कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और भोजन कराने के बाद उन्हें भेंट स्वरूप कुछ देकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप आर्थिक रूप से मजबूत बने रहेंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज महानंदा नवमी, आयुष्मान योग और मूल नक्षत्र के बारे में। आज के दिन विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको कौन से खास उपाय करने चाहिए, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज है महानंदा नवमी, तो आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं माता महानंदा के। ये स्थान हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में, जो कि दूर दूर तक विस्तृत हैं, अपनी बर्फीली छटा के साथ, जो अपनी मनोहर छटा के साथ दूर दूर तक विस्तृत हैं, उनके बीच में महानंदा देवी का ये स्थान अत्यंत सुरम्य है, अत्यंत आनंदवर्धक है, ओजवर्धक है, माता की कृपा लाने वाला और आपके जीवन में सभी प्रकार के सुखों को भर देने वाला है। तो आप भी घर बैठे कीजिए माता महानंदा के दर्शन। और अब बात अवार्ड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 12 सितंबर को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि है। नौवीं तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। नौवीं तिथि आज रात 11:33 तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 10:31 तक रहेगी। दशमी तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज जेब में 2 इलायची रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।